नमस्कार, स्वागत है आपका ENN भारत की सर्वेक्षण सीरीज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आने वाले दिनों में राजस्थान में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होगा, यानी कि चुनाव होंगे और चुनाव से पहले सभी दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। ये राजनीतिक दल अब अपने रूठों को मनाने में लग गए हैं ताकि जातीय समीकरण को साधा जा सके। दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी अपनी पार्टी में आने का लालच दिया जा रहा है ताकि उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। लेकिन लोकतंत्र में जनता सबका हिसाब रखती है, किस नेता ने उनके लिए काम किया है, किसने नहीं किया है, उसे सब याद रहता है, जिसे वो इस उत्सव में प्रदर्शित करती है। ऐसे में जनता के मन का हाल जानने के लिए और राजस्थान में चुनावी समीकरण को समझाने के लिए हमारी टीम ENN भारत ने राजस्थान की पूरी 200 विधानसभाओं का सर्वेक्षण किया है। और सर्वेक्षण की इस सीरीज में आज की हमारी वीडियो है पाली विधानसभा के बारे में। शुरुआत पाली की सामान्य जानकारी से करते हैं। राजस्थान का पाली जिला अपने रणकपुर जैन मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है। अपनी जटिल और शानदार स्थापत्य कला की वजह से यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर जैनियों के 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है। पाली की जनता के मन का हाल जानने के लिए हमारी टीम ने यहाँ के प्रत्येक गांव में से 10 से 12 लोगों से बात की है, जिससे हमने जाना कि यहाँ के 49.53% जनता BJP को और 31.96% जनता कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। यानी कि इस विधानसभा में वर्तमान BJP विधायक ज्ञानचंद पारख आगे चल रहे हैं। पाली विधानसभा के कितने गांवों में पार्टियों की क्या स्थिति है, इसे आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाली में सेफ यानी कि A+ ग्रेड में BJP के 14, कांग्रेस के 0 और अन्य के 5 गांव हैं। विनिंग यानी कि A ग्रेड में BJP के 41, कांग्रेस के 3 और अन्य के 0 गांव हैं। अब उन गांवों की बात करते हैं जिनमें पार्टियों के बीच फाइट है, यानी कि B ग्रेड के गांव। यहां BJP के 43, कांग्रेस के 41 और अन्य के 5 गांव हैं। लूजिंग यानी कि C ग्रेड में BJP के 4, कांग्रेस के 44 और अन्य के 64 गांव हैं। D ग्रेड यानी कि डेंजरस जोन में BJP के 5, कांग्रेस के 19 और अन्य के 33 गांव हैं। चलिए अब दिखाते हैं इस बार के इस चुनावों में विधायक पद के संभावित उम्मीदवार चेहरे। BJP से इस बार वर्तमान विधायक ज्ञानचंद पारख विधायक पद के लिए संभावित उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस से इस बार महावीर सिंह और भीमराज भाटी टिकट की मांग कर रहे हैं। मई में एक बार फिर हमारी टीम ग्राउंड लेवल पर राजस्थान का सर्वेक्षण कर रही है, जिसके सवाल आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? आपका अगला विधायक कौन होना चाहिए? आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? अगर मुख्यमंत्री आपकी पसंद का बनने की उम्मीद नहीं हो या ना के बराबर हो, तो क्या आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? अगर विधायक उम्मीदवार भी आपकी पसंद का ना हो, तो क्या आप ऐसे स्थिति में भी अपनी ही पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? इन सब सवालों की रिपोर्ट हम मई के अंत तक आपको दिखाएंगे। हमारे सर्वेक्षण से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829203321 पर इन सभी सवालों के जवाब लिखकर भेज सकते हैं। सवालों के जवाब के साथ साथ आप अपने गाँव या विधानसभा की कोई भी जानकारी या कोई भी समस्या भी हमें भेज सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में उसे ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन, ताकि विधानसभा चुनाव की हर अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। नमस्कार।